दोस्तों आप सभी का मैं इस YouTube चैनल में इस्तकबाल करती हूँ जिसका नाम है थॉट्स बिकम सक्सेस। दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है, अगर आप पहला वीडियो ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। इसमें हम DSC और TRT के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमारा लेसन में चलते हैं। यह हमारी पाँचवीं जमात का दूसरा उनवान है जिसका नाम है ज़िरात और फसलें। दोस्तों आज हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, माजी में किसान किसके नाम पर दूसरों से बीज लेते थे? माजी में किसान किसके नाम पर दूसरों से बीज लेते थे? इसका जवाब है नागू के नाम से। हमारी रियासत में चंद दहों कबल तक तकरीबन धान, आम और बैगन के कितने अकसाम पाए जाते थे? चंद दहों कबल तक तकरीबन धान, आम और बैगन के, धान के 5400 अकसाम, आम के 740 अकसाम और बैगन के 3500 अकसाम पाए जाते थे। चंद दहों कबल हमारी मुल्क में कौन सा इदारा पौधों के जीन को हासिल करके महफूज करता है? इसका जवाब है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक पौधों के जीन को महफूज करता है। किसी जगह पर बैक वक्त में एक से ज़्यादा फसल उगाने के तरीक़े को क्या कहते हैं? किसी जगह पर बैक वक्त में एक से ज़्यादा फसल उगाने के तरीक़े को बैन फसल का तरीक़ा कहते हैं। पॉलिटरी फॉर्म में अंडों के लिए किसकी अफजाइश की जाती है? पॉलिटरी फॉर्म में अंडों के लिए किसकी अफजाइश की जाती है? लेयर्स की अफजाइश की जाती है अंडों के लिए। पॉलिटरी फॉर्म में गोश्त के लिए किसकी अफजाइश की जाती है? पॉलिटरी फॉर्म में गोश्त के लिए किसकी अफजाइश की जाती है? बॉयलर्स की अफजाइश की जाती है बॉयलर्स की। अगला क्वेश्चन, गिजाई फसलें किसे कहते हैं? गिजाई फसलें किसे कहते हैं? तो इसका जवाब रहा गिजाई फसलें गेहूँ, धान, गेहूं, मक्खी, जवार, दालें, तेल के बीज, तरकारियां और फल को गिजाई फसलें कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तिजारती फसलें कौन से हैं? तिजारती फसलें कौन से हैं? तो इसका जवाब रहा तिजारती फसलें कपास, पटसन और मिर्च। तिजारती फसलें कपास, पटसन और मिर्च को कहते हैं। हमसा, सुवर्णा, मसूरी, बंगारुतीगा, आया 20, ये तमाम कौन से अकसाम की फसलें हैं? हमसा, सुवर्णा, मसूरी, बंगारुतीगा धान की फसलें हैं, धान की फसलें हैं। तुअर फसल के कितने अकसाम हैं? तुअर फसल के कितने अकसाम हैं? तो इसका जवाब रहा तुअर फसल के चार अकसाम हैं, लाल तुअर, सिया तुअर, आशा, नड़पी। लाल तुअर, सिया तुअर, आशा, नड़पी। जवार फसल के कितने अकसाम हैं? जवार फसल के कितने अकसाम हैं? तो इसका जवाब रहा दो अकसाम, सफ़ेद जवार और पीली जवार। सफ़ेद जवार, पीली जवार। धान, जवार और मूंगफली के फसल को उगाने के लिए कितने महीने का वक्त दरकार होता है? इसका जवाब रहा चार महीने का वक्त दरकार होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, जवार और मूंगफली जैसी फसलों को क्या कहते हैं? जवार और मूंगफली जैसी फसलों को क्या कहते हैं? इसका जवाब रहा खुश्क फसलें। खुश्क फसलें। तुअर की फसल के लिए तकरीबन
कितना वक्त दरकार होता है? तुअर की फसल के लिए तकरीबन कितना वक्त दरकार होता है? तुअर की फसल के लिए 6 महीने का वक्त दरकार होता है। तुअर की फसल कैसी फसल कहलाती है? तुअर की फसल कैसी फसल कहलाती है? तुअर की फसल खुश्क फसल कहलाती है। खुश्क फसल कहलाती है। किसान अपनी फसल को हशरात और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए कौन से दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? रिवायती नामियाती दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। किसान कैसे रिवायती नामियाती दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? किसान कैसे रिवायती नामियाती दवाओं का इस्तेमाल करते हैं? नीम का तेल, पंचगोवा, ज्योमिरात जैसे रिवायती नामियाती दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। आंध्र प्रदेश में उगाए जाने वाले फसलों में अहम फसल कौन सी है? आंध्र प्रदेश में उगाए जाने वाले फसलों में अहम फसल कौन सी है? चावल की फसल। दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा वीडियो। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। शुक्रिया।